वारदात करने वालों का आतंक बना हुआ है। इसी के चलते घरोंडा स्थित सेंट्रल बैंक के समीप हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी विनोद जुनेजा पर गोली चला दी। गोली व्यापारी के पेट में लगी और उन्हें गंभीर हालत में करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की कई टीमें पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, पुलिस को कई साक्ष्य हाथ लगे हैं। बता दें कि करनाल के घरोंडा हलके में कई बार बदमाश लुटेरों ने व्यापारियों को अपना निशाना बनाया है। घरोंडा में लूट की वारदात का यह कोई पहला मामला नहीं है। देर शाम को तीन हथियारबंद नकाबपोश बाइक पर सवार होकर आए और बाजार स्थित जुनेजा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विनोद जुनेजा के ऊपर बंदूक तानकर रुपए वाले थैले की मांग करने लगे। वहीं दुकान पर काम करने वाले मजदूर अमरेश ने बताया कि बदमाशों ने दुकान पर आते ही खींचातानी शुरू कर दी। एक बदमाश के हाथ में बर्फ वाला सुआ था और दूसरे के हाथ में बंदूक थी। रुपयों के थैले की मांग करते उन्होंने लाला विनोद जुनेजा पर गोली चला दी। गोली लाला के पेट में लगी है। इसके बाद बदमाश दुकान से बाहर निकलकर गोली चलाते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि दुकान में पैसे नहीं थे, इसलिए पैसे तो उन्हें नहीं ले जा पाए, पर उन्होंने व्यापारी को गोली मार दी। वहीं व्यापारी को गंभीर हालत में इलाज के लिए करनाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घरोंडा थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तीनों युवकों की तस्वीरें सामने आई है। तीनों ने मास्क पहन रखे हैं। अभी और भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को काबू भी कर लिया जाएगा। वहीं इस वारदात के बाद घरोंडा हलके में दहशत का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि लूट और हत्या की वारदातों का होना इस हलके में आम बात हो गई है। वहीं अब यह देखना होगा कि पुलिस कब तक इस वारदात को ट्रेस कर पाती है और कब तक आरोपियों को काबू। बैग लेके आओ, उन्होंने कहा बैग में भी कुछ नहीं है। तो जब एक और जो कस्टमर आया, उन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की, उनको लगा कि वो दुकानदार कोई फोन मिला रहा है, तो उसने उसका फोन भी छीन लिया। और उसके बाद जो है उन्होंने जब मना किया कुछ भी देने के लिए, तो उन्होंने गोली चला दी। उनके पेट में गोली लगी है। बैग का पता चला कि लेकर गए? बैग का भी पता नहीं लगा, बैग लग नहीं रहा ऐसा फिलहाल तक, पर अभी फुटेज और देख रहे हैं। अभी तक हमने एक कैमरा ही देखा है, दूसरे कैमरे देखे। नाम अमरेश है जी। तो कैसे क्या हुआ दुकान पे? यहाँ पे मैं काम करता हूँ। शाम को अभी तीन जने आए, एकदम उनके हाथ में बर्फ फोड़ने वाले सुआ थे, एक के हाथ में बंदूक थे। वो कह रहे झोला दे दो, झोला दे दो, झोला जाला बोला लाला ले लो जो भी लेना है। इतने में उसने गोली निकाल के मार दिया। हम लोगों के बलियान पकड़ के अंदर खींचने लगे। हम चार पांच जने थे यहाँ काम करने वाले, एक ग्राहक भी था। कितनी बार गोली चलाई है? एक बार हम लोगों के सामने चलाया और निकल के बाहर भागा, पीछा किए हम लोगों पे भी दोबारा ताना उसने। तो कुछ लूट के भी लेके गए हैं? हमारे सामने तो मौका ही नहीं मिला लूटने के। हम लोगों को सुआ मारने की तैयारी किया, धक्का दे के घेर दिया उधर दाल दूर पे। इतने में गोली लग गया। कोई चेहरा ढका हुआ था? ऐसे ही थे, मास्क लगे हुए थे जी, कैप पहने हुए थे। अच्छा जी। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं? है कैमरा अंदर। तो किसी को गोली लगी है? हाँ जी, गोली लगी है किसी को? लाला को लगी है गोली। कहाँ पर लगी है? यहाँ पेट से खून जा रहा था। अच्छा, हमने ये सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं, उसमें तीनों लड़कों की तस्वीर आ रही है। मास्क उन्होंने पहना हुआ है और तीन लड़के हैं। इन द मीन टाइम एक ग्राहक भी आता है, उसको भी उन्होंने धक्का देके साइड में किया है। और अभी दूसरे कैमरे इस गली में और भी हैं, और बाकी कैमरों को चेक करके, मोबाइल भी छीना है उस ग्राहक का, मोबाइल भी छीना है। तो इन कैमरों को चेक करके देखेंगे कि इस साइड, क्योंकि इस गली से वो भागे हैं, और कोई बाइक का नंबर या इस तरीके से और कोई मदद मिलेगी तो बाकी कैमरे। नकदी से भरा बैग ले गए? नहीं, बैग वो कुछ नहीं ले गए, उसमें नहीं दिख रहा वो, क्योंकि अफरा तफरी इसी मच गई। जैसे दो इनके रिक्शा वाले आ गए, एक ग्राहक आ गया, और इसी लेकिन बैग मिला नहीं अंदर, मिला नहीं अंदर, पड़ा तो नहीं। बैग कोई है ही नहीं कैमरे में जी, ना कोई बैग दिख रहा। अंदर वाला कैमरा क्या रहा, नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है, अंदर वाले कैमरे में दिख रहा है। अच्छा, देखा। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब बाकी कैमरे देख। तो गोली सर पेट में लगी है? पेट में दिख रही है। कितनी गोलियां चलाई हैं कुछ पता? एक गोली चलाई, एक गोली चलाई। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।